नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों कैसे हो? धनु राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि धनु नहीं है परंतु लगन धनु है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई माह धनु वालों के लिए अति उत्तम है। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। आपकी राशि का लाभ स्थान राहु केतु और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में है, इसलिए आप आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। बाहुबल, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। खासकर केतु का लाभ स्थान पर संचार आर्थिक सफलता, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बना रहा है। केतु की स्थिति उत्तम बनी हुई है परंतु 12 जुलाई के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आय के साथ साथ व्यय भी बढ़ सकते हैं। इस समय 7.5 की एक बार फिर शुरुआत होगी तथा शनि वक्री अवस्था में धन स्थान पर संचार करेगा। वक्री शनि धन स्थान पर जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है, आपके खजाने में सेंध लगाने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा बुद्धि स्थान पर पूर्णिमा राहु एवं मंगल का युति योग प्रचंड क्रोध को दिखा रहा है। क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण की अधिक आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस माह जोश जोश में होश ना खोएं, जल्दबाजी से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कोई बड़ा निर्णय ले, धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा गोचर वर्ष जुलाई माह में 4 ग्रहों बुध, शनि, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। खासकर धनु राशि वालों के लिए शुभ 2 ग्रह शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा, परंतु सूर्य एवं शनि का राशि परिवर्तन मिश्रित फल युक्त रहेगा। हर एक ग्रह की बात करेंगे, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर ही चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जुलाई माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। दोस्तों, बुध आपकी राशि के लिए दंपत्य और कर्म भाव का स्वामी है। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर दंपत्य भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दंपत्य जीवन में सुखद एहसास का अनुभव करेंगे, दंपत्य सुख में वृद्धि होगी। बुध से पहले दंपत्य भाव पर अकेला सूर्य आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की अधिकता पैदा कर रहा था। क्रोध की अधिकता दंपत्य सुख को प्रभावित कर रही थी। अब सूर्य के साथ बुध का युति योग, बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण करेगा। बौद्धिक क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। व्यापार भाव पर व्यापार कारक बुध का संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, आप अपनी बौद्धिक योग्यता और सूझबूझ से व्यापार में विस्तार करेंगे। शास्त्रों में 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों की बहुत प्रशंसा की गई है। उनमें से 2 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण आपकी गोचर कुंडली में हो रहा है, गुरु हंस तो बुध बदर नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। जन्म कुंडली में इन योगों का बहुत महत्व है। गोचर कुंडली में भी इन योगों के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्ञान और बुद्धि कारक गुरु एवं बुध के द्वारा बनने वाले यह राजयोग बौद्धिक योग्यता, कला और कार्यकुशलता प्रदान करेंगे। दंपत्य वापर बुध 17 जुलाई तक संचार करेगा। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है कर्म फलदाता शनि देव का। 12 जुलाई तक शनि पराक्रम भाव पर संचार करेगा। पराक्रम भाव पर मेहनत पसंद शनि का संचार अत्यधिक उत्तम है, हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। हेल्थ, वेल्थ, नेम और फेम सब कुछ प्राप्त होगा। आप मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, कार्य क्षमता में खूब वृद्धि होगी। मेहनत और कार्य क्षमता में वृद्धि
बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करेगी। शत्रुओं पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। 12 जुलाई को वक्री अवस्था के कारण शनि राशि परिवर्तन कर एक बार फिर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ था साढ़े साथी के प्रकोप से राहत मिली थी, अब एक बार फिर साढ़े साथी का अंतिम बचा हुआ चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, द्वितीय भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। वाणी भाव पर वक्री शनि के प्रभाव से आपकी वाणी कैंची के समान चलेगी। आपकी वाणी और व्यवहार से कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं तथा उनकी नाराजगी का पात्र बनना पड़ सकता है। मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। इस अवधि में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। जुलाई माह में तीसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। 13 जुलाई तक शुक्र छठे भाव अपने ही भाव में संचार करेगा। आपकी राशि के शत्रु और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। इस समय शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए यह समय लाभ देने वाला है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी तथा उनके माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि से घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी व्यय करेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन और अन्य सुख सुविधाओं पर भी व्यय करते हुए दिखाई देंगे। 13 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, दंपत्य कारक शुक्र का दंपत्य भाव पर ही गोचर दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। कार्य व्यापार में जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से लाभ होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी शुक्र का राशि परिवर्तन काफी लाभप्रद रहेगा। स्त्री से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को खूब लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में मित्रों का योगदान भी अहम रहेगा। कुल मिलाकर पूर्ण मास शुक्र का गोचर सकारात्मक रहेगा। शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 16 जुलाई तक सूर्य दंपत्य भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का दंपत्य भाव पर संचार जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। भाग्य का भी सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। सरकार एवं सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई से पहले उस कार्य को करना अधिक बेहतर है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। सूर्य अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों, इसके साथ अष्टम भाव पर गोचर सूर्य का वक्री शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। यह एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। सूर्य की स्थिति कुछ कमजोर है। इस अवधि में समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। विरोधी पक्ष झूठी अफवाहों से मान सम्मान में कमी करने के प्रयास करेंगे। पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। सरकारी कामकाजों से बचें। व्यर्थ के लड़ाई, झगड़े और वाद विवादों में अपना पांव ना फंसाएं। जुलाई माह में अंतिम राशि परिवर्तन है बुध का। 17 जुलाई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस समय अपनी वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को अपने उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा, नहीं तो बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। इस अवधि में कार्य व्यापार में कोई बड़ा निवेश ना करें। नौकरी पेशा दोस्तों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। राशि स्वामी गुरु की स्थिति मजबूत बनी हुई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। गुरु की शुभता मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर निकाल लेगी, सुख और समृद्धि लेकर आएगी।
कुल मिलाकर जुलाई माह में क्रोध पर नियंत्रण रख जोश एवं ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।